फरुखाबाद के ब्लॉक शमसाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत आसिमपुर तराई के गांव में हुए विकास कार्यों की जांच कराने का शिकायती पत्र प्रधान ने उच्च अधिकारियों को सौंपा, जिस पर जांच हुई लेकिन जांच पंदरबाट में तब्दील हो गई। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी फरुखाबाद को मामले में एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर गाँव के विकास कार्यों की जाँच कराने हेतु आवेदन दिया था। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच जनपद के किसी सक्षम अधिकारी को सौंपी थी, जो बंदरबाट के चलते जांच पूरी हो गई। जांच अधिकारी ने 10 बाई 6 फीट के रसोई घर में वॉल पेंटिंग व पुताई अधिक राशि रुपए की लागत से कराए हुए कार्यों को नहीं परखा। क्या नाम है आपका? किस पद पर तैनात है? इंचार्ज। आपका किचन कितना है? जो रसोई घर है अंदर वाला है, सिर्फ इतना ही है? हाँ। जितना है ये? हाँ, जितना अंदर है। लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? लगभग ऐसी है 10x7-6 के लगभग है। 10x7-8 मान लो, 10x8। हाँ, 10x8। इसमें पुट्टी हुई थी और फूल पत्ती बने थे? पुट्टी हुई थी। हाँ, पुट्टी नहीं हुई थी। ये पुट्टी है, इसके अंदर है वो पुट्टी है। अच्छा, छत पे। और बाकी? छत पे हुई थी। बाकी यही रंगाई पुताई है ना? ये की जब स्कूल बंद थे उस समय पर ये काम हुआ था। अच्छा, जब स्कूल विद्यालय बंद थे आपकी नजर में नहीं हुआ? कोरोना काल चल रहा था उस समय, सितंबर से पहले की बात है। आपकी तो उसमें नजर में नहीं हुआ? हमारे सामने नहीं हुआ था। आपके नजर में? बीच बीच में हम आ जाते थे, जैसे काम हो रहा है तो आए। आंगनबाड़ी केंद्र किधर है आपके विद्यालय? पीछे गली में, हमारे यहाँ। धन्यवाद।